इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की थी और दो तीन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें ईआर था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ईआर कितने प्रकार की होती हैं और उसका फंक्शन क्या है, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो और नए सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें शामिल है राइबोसोम्स और इसके बाद गोल्जी एपरेटस। इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर। सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ये इसलिए होता है ताकि जो सेल है एक अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिवीजन ऑफ लेवर पाया जाता है सेल में, जबकि यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, जिसमें साइटोसोल दे रखा है, गोल्जी एपरेटस दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन्स है, लाइबोसोम्स हैं, इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। आप इसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर ईआर, इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है, एक रफ होती है। रफ होने का कारण है कि उसके साथ राइबोसोम का अटैच होना, और जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होगा उसको हम स्मूथ बोलते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी दो प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको और कुछ जानना है क्रोमैटिन के बारे में, उसके बाद क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके नीचे ईआर है, वो ईआर के साथ राइबोसोम्स अटैच हुए हैं। उसके बाद गोल्जी एपरेटस हैं और लाइबोसोम्स भी हैं। इस पिक्चर में आप आसानी से समझ पाओगे कि जो बॉल्स, स्फेरिकल बॉल देख रहे हो, उसी को हम लाइबोसोम्स बोल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि राइबोसोम्स हैं क्या। राइबोसोम्स ये स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जो फ्रीली मैट्रिक्स में मूव करते हैं और ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनमें जो मुख्यतः जो केमिकल पाया जाता है उसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, इनमें लिपिड नहीं पाया जाता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये इनमें मेम्ब्रेन्स भी नहीं पाई जाती, इसलिए दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें आरबीसी में नहीं पाए जाते, यानी जो आरबीसी सेल है उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स के फंक्शन देखेंगे तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और जो राइबोसोम्स हैं उसमें हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, जो एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये मूव करती है, इसलिए मेन हो जाते हैं। यानी जो डीएनए होता है हमारा राइबोसोम्स में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम्स, और ऊपर आप देख सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले मैंने बताया कि इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो इस फिगर में आप अच्छे से जान पाओगे कि राइबोसोम्स क्या है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और क्यों बनती है। तो इसमें आप अच्छे से जान पाओगे। तो आप देख सकते हैं जो राइबोसोम्स हैं डेंस होते हैं, स्फेरिकल ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं और फ्रीली ये मूव करते हैं मैट्रिक्स में, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या साइटोसोल भी बोलते हैं। और ये ईआर से यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो राइबोसोम्स, मैट्रिक्स, डीएनए, इनर मेम्ब्रेन्स, ये सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। क्रिस्टी भी देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती है। तो ये आप अच्छे से देख पाओगे। ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में न्यूक्लियस दिया है, उसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है और फिर दिया है
राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के फंक्शन भी हमने जान लिए कि राइबोसोम्स क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और इसमें इंफॉर्मेशन जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो कंडक्ट की जाती है, इसलिए मेन फंक्शन हो जाता है या फिर मेन ऑर्गेनेल बन जाता है सेल का। अब इसके आगे हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस की, कि गोल्जी एपरेटस क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो जो गोल्जी एपरेटस की या गोल्जी की खोज है कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ गया, एपरेटस पड़ गया है। गोल्जी एपरेटस मेम्ब्रेन्स बाउंडेड होता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है और इसमें इसके जो तीन पार्ट पाए जाते हैं वोकल्स, क्रिस्टिनी और वेसिकल्स, ये इसके तीन पार्ट हैं। पहला है वेसिकल्स, वोकल्स और क्रिस्टिनी, ये तीन पार्ट पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके जो मेन क्या क्या है, गोल्जी अपरेटस है जो अब्सेंट रहती है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाए और जो मैच्योर स्पर्म एंड रेड ब्लड सेल है, इसमें मैमल्स और जो अदर एनिमल्स हैं इनमें ये पाई जाती है। जो गोल्जी अपरेटस होती है अराइज होती है कहाँ से, मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओरिजिनेट होती है कहाँ, ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इसके बारे में हम फंक्शन जानते हैं कि इसके जो फंक्शन मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका सेक्रेटरी, जो गोल्जी अपरेटस है ये वेस्ट स्टेशन का काम करता है और असेंबल का काम भी करता है। इसका जो मेन फंक्शन है स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, जो सेलुलर सेक्रेशन है उनका करती है। पैकेज जो मटेरियल होता है उसको सिंथेसाइज करता है, उसके बाद इसको डिस्पैच कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में और ये प्रोड्यूस करती है वोकल्स को, सेक्रेटरी जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। अब इसमें सेलुलर सेक्रेशन होता है, जैसे एग्जांपल एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, मेलेनिन हो गया, पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये सारे पार्ट पाए जाते हैं। गोल्जी एपरेटस है वो इन्वॉल्व रहती है इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड लाइसोसोम्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, ये होता क्या है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में बोलेंगे और कि क्यों इसे परमीबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए लोग आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद, वीडियो में इतना ही, आगे की चर्चा हम बाद की वीडियो में करेंगे, ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।